आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे घन और घनमूल यानी क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसे पढ़ने के पहले हमें पुनरावर्तन कार्य करना होगा। हमें गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन का पुनरावर्तन कार्य करना रहेगा। उदाहरण के लिए संख्या 15 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हम इसे लिखेंगे 5 गुणा 3। यह हमें 5 के कसौटी से ज्ञात हो सकता है। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या का घन, पूर्णांक घन संख्या और घनमूल निकालने के तरीके। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या का घन। पूर्णांक संख्या का घन निकालने के लिए गुणनफल के नियमों का ध्यान रखना होता है। उदाहरण के लिए यदि हम संख्या 7 लें तो 7 का घन को हम इस तरह से दिखाते हैं, तो 7 का घन होगा 7 गुणा 7 गुणा 7 7 गुणा 7 होता है 49, तो यह निकल करके आएगा 49 गुणा 7 जो होता है 343। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक घन संख्या। किसी भी पूर्णांक संख्या के घन को पूर्णांक घन संख्या कहते हैं। जैसे पिछले उदाहरण में हमने 7 के घन को कहा था 343, तो 343 इसमें पूर्णांक घन संख्या है। अब हम पढ़ेंगे घन घनमूल यानी क्यूब रूट्स। इस घनमूल को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो हमारे पिछले उदाहरण में 7 का घन था 343, तो 343 का घनमूल होगा 7, क्योंकि हम 343 को लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7 का घनमूल जो होगा 7। अब हम घनमूल ज्ञात करने के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी घनात्मक संख्या के घनमूल को ज्ञात करने के लिए हमें उसके अभाज्य गुणनखंड का ज्ञात करना होगा। यदि हम उदाहरण के लिए घनात्मक संख्या 216 का उदाहरण लें तो हम 216 को लिख सकते हैं 9 गुणा 24। यह हमने 9 के कसौटी से लिखा। फिर हम यदि 4 की कसौटी याद करें तो 4 गुणा 6 24 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 गुणा 4। और यदि 3 की कसौटी याद करें तो 3 गुणा 3 होता है 9, और 3 गुणा 2 होता है 6। और हम 2 की कसौटी याद करें तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो यह 2 का घन है और यह 3 का घन है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 का घन गुणा 2 का घन, जिसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 का घन जो होगा 6 का घन। तो यदि हम उदाहरण के लिए घनात्मक संख्या 1728 का उदाहरण लें तो हम इसे लिख सकते हैं 9 गुणा 192। यह हमने 9 के कसौटी से लिखा। और हम 192 को लिख सकते हैं 3 गुणा 64। यह हमने 3 के कसौटी से लिखा। और हमें पता है 64 8 का वर्ग होता है, तो हम 1728 को लिख सकते हैं 9 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 8। और हम इसे लिख सकते हैं फिर से 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 8। और हम 8 गुणा 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, तो यह हमारे पास 3 का घन गुणा 4 का घन निकल कर के आया, जिसे हम लिख सकते हैं 3 का घन गुणा 4 का घन जो होगा 12 का घन।
तो हम कहेंगे 1728 भारा का घन है, या फिर हम कहेंगे भारा 1728 का घनमूल है।